ये देखो भाई, हम लोग को अभी नदी भी पार करना है। कैसा लंगड़ू भाई? लंगड़ू बम भाई, गर्म है यार। तो भाई हम लोग फिर से निकल चुके हैं 30 किलोमीटर के बाद पैदल पैदल चलते चलते बोलबम की ओर। देखो भाई, यहाँ का फेमस जलेबी आलू और केला का जलेबी, देखते कैसा है। लेकिन भाई बैंड बज चुका है, जानते हो, पैर का जो तलवा होता है ना, दम मतलब बोल रहा है, जवाब दे रहा है। देखो घाट का सुबह सुबह कितना सुंदर माहौल है। आधी क्या हुआ, स्नान करने, गंगा स्नान करने, उसके बाद हम जाएंगे। भाई देखो, यहाँ से ना संकल्प करवाना पड़ता है, पूजा करवाना पड़ता है, गंगा जी में स्नान करना पड़ता है, उसके बाद भाई अपना पिट्ठू लेके या फिर पानी भर के बस निकल पड़ना पड़ता है। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। हम लोग अभी तक 45 मिनट में 3.5 किलोमीटर चल चुके हैं, सुल्तानगंज पार कर गए या नहीं किए वो हमको नहीं मालूम है एग्जैक्टली, लेकिन 3 किलोमीटर चल गए हम लोग गंगा घाट से। देखो अभी तो पूरा दिन बाकी है भाई, अपना 10 किलोमीटर होने वाला है। 10 किलोमीटर हम लोग पैदल चल लिए सिर्फ 2 घंटे में, स्टार्ट तो बहुत बढ़िया है। और जानते हो, यहाँ ना चलने के लिए पूरा मिट्टी अच्छा वाला एकदम बिछाया गया, एकदम जितना दूर तक चल सकते हैं तो बढ़िया है। क्या हालत है भाई? हालत ख़राब है, अभी रुकना पड़ेगा हम लोग को, रुकना पड़ेगा क्योंकि चलने का आदत एकदम नहीं है अपने को, खाली पे। बोल बम, बोल बम, बोल बम। छोटा सा होल्ट लिया गया था, आराम किए आधा घंटा, अपना फल वल चला और बस अब निकलते हैं वापस से, चलते हैं। जितना दिन में चल पाए उतना अच्छा है, नहीं तो धूप हो जाएगा तो फिर कम चल पाएंगे। देख रहे हो अभी भी कितना लगातार जा रहा है भाई, लगातार पूरा मन भी लगा रहा था भाई चलने में, इतना लोग साथ में चल रहा ना तो ठीक है। बोल बम, चलो हम लोग का सफर फिर से शुरू हो गया है। बोल बम, बोल बम। भाई साहब 20 किलोमीटर ज़्यादा चलिए और अपने आप को लंबा रेस्ट मांगता है। 20 किलोमीटर में हालत ख़राब हो गया, जानते हो, हालत ख़राब, पैर का दम भुजिया बना हुआ, और फिर भी अब तक नाश्ता भी नहीं किया। 20 किलोमीटर चलिए सुबह से, हम लोग चलना शुरू किए। देखो कहीं बढ़िया जगह स्टे करते हैं, आते हैं सुबह का नाश्ता दम करते हैं, 2-3 घंटा रुकते हैं, फिर लंबा सा ट्रिप मार देंगे। तो भाई स्टे पर तो रुक चुके हैं, ऐसे ही धर्मशाला बहुत जगह मिलता है, लगातार मतलब मिलता है, बहुत जगह नहीं, लगातार जहाँ पर आप रुक के सो सकते हो। बाकी हम लोग का सुबह का नाश्ता नहीं आ रहा है, पूरा भरपेट नाश्ता आ रहा है, चावल दाल। बैठ चुके हैं हम दोनों खाने। साहब इस होल्ड पे हम लोगों ने 3 घंटा सो दिया, हम लोग को नहाना होगा और निकलना होगा देरी से, नहीं तो फिर लेट पहुँचेंगे। तो बस भाई नहाते नेचुरल स्विमिंग पूल में आके, पैर का हालत ख़राब है जानते हो, बहुत ख़राब है। नहीं क्या वही बात है, हम भी लंगड़ा रहे थे थोड़ा सा, मस्त नहा लिए दोनों। बीच में ऐसा ऐसा मिलते रहता है बहुत जगह, लगातार 10-10 कदम पे ऐसा ऐसा। तो बस सब फिर से लंबा चलते हैं, चलो दिखाते हैं भाई। भाई श्रद्धालुओं तो कम ही नहीं हो रहे हैं, इतना भयानक भीड़ है, लगातार चल ही रहे हैं लोग। वही ना, हम लोग 3 घंटा से रुके हुए, बहुत लोग निकल गया होगा, निकल पड़ा हो दोस्तों। बोल बम 86 किलोमीटर दूर और है, बहुत चलना है, कल का पूरा दिन और आज का पूरा दिन चलना है। देखो कल सुबह पहुँचते ही कल रात ही पहुँच जाते हैं। लेकिन भाई बैंड बज चुका है, जानते हो, पैर का जो तलवा होता है ना दम, मतलब बोल रहा है, जवाब दे रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा कुछ। तो बस चल रहा है, इतने सारे लोग जा रहे थे, देखो अभी भी
भीड़ देखो भाई, इतना एजेड एजेड लोग भी जा रहे हैं, तो मोटिवेशन तो अपना रहेगा ही पुल पे कि अब हम ऐसे नहीं जा पाएंगे। भाई इतना एजेड एजेड लोग जा रहे हैं ना, और हालत हम लोग का खराब है, सोचो भयानक डेडिकेशन है भाई सब में। देख रहे हो भाई 25 किलोमीटर 26 किलोमीटर हुआ है अभी तक सफ़र, काफ़ी ज़्यादा थकाव वाला, काफ़ी ज़्यादा तनाव वाला, लेकिन लोग जा रहे हैं भाई। वही ना, पैर में चाहे कुछ भी हो, लोग फिर भी जा रहे हैं, ज़बरदस्ती जा रहे हैं चाहे कुछ भी हो भाई, क्या ही मोटिवेशन है यार भयानक। और अभी है, अभी तो 25 ही गए हैं, अभी तो और 80 किलोमीटर बाकी है, सोचो फिर भी लोग जा रहे थे उसी जोश के साथ, बम बम बोलते। सेकंड होल्ड पर रुक गए हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ का एक फेमस जलेबी है जो आलू और केला का होता है, पल्हारी जलेबी कहा जा रहा है इनको, तो वही खाने के लिए रुके हैं युवराज होटल मुनिया मोड़। अभी बिहारी में हम लोग, हालत ख़राब है भाई बहुत ज़्यादा, सबका हालत ख़राब है, लेकिन अकेले हम ही लोग का नहीं देख रहे। देखो भाई यहाँ का फेमस जलेबी आलू और केला का जलेबी, देखते कैसा है। तो भाई अपना दही चूरा चल रहा है, बहुत टेस्टी है भाई दही चूरा, सही बता रहा हूँ। ऐसा बारिश कितना तेज आया है, दही चूरा चल रहा है। तो भाई हम लोग फिर से निकल चुके हैं 30 किलोमीटर के बाद पैदल पैदल चलते चलते बोलबम की ओर। भाई अब मज़ा आ रहा है, जानते हो, खा पी लिए मस्त एकदम, अभी ठंडा हवा चल रहा है, देखो शाम कितना सुंदर हो रहा है बिहार का, अभी बिहारी नाम लो क्योंकि काफ़ी अच्छा भाई लग रहा है, अब पहले से बेहतर है, शाम है ना तो शाम में चलने में ठीक लगता है। बोल रहा हूँ भाई, बारिश तेज में भी लोग जा ही रहे हैं। ये देखो भाई हम लोग को अभी नदी भी पार करना है, कैसा लंगड़ू भाई लंगड़ू बम भाई गर्म है यार, अच्छा है भाई ये दर्द कम कर देगा, गर्म है मस्त। ये देखो सुंदर माहौल है। बोलो दोस्तों, तो आज हम लोग टोटल जान दो कितना चले, 45 किलोमीटर, बाकी कल बचेगा 70, लेकिन कल देखो पूरा कर पाते हैं नहीं, मतलब रात ही में निकलेंगे तो रात से अलग ब्लॉग आएगा। ये ब्लॉग पॉइंट करते हैं, चाय चल रहा है अपना, नाश्ता हो चुका है, पेट भरा हुआ अपना चूरा दही से ही, बस अभी थोड़ा सा सोते हैं आराम से, बढ़िया सा स्टे है यहाँ छोटा सा, ऐसा ही आपको स्टे हर जगह मिलेगा। तो फिर बस प्यार दिखाओ इस लाइव को, डेली ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब कर दो, देखो कब भोलेनाथ का दर्शन होता है, वैसे कल शिवरात्रि था, कोशिश अपना पूरा रहेगा कि कल ही तक पहुँचने का, रात तक भी पहुँचे तो ठीक है, नहीं तो फिर परसों सुबह तक तो फिक्स है कि पहुँच जाएंगे। बस प्यार दिखाते हो, चलो बाय बाय, गुड नाइट गाइस।